What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 15 नवंबर 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:12 हो रहे हैं। फ्राइडे हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस हम करेंगे। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 14 नवंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपको कल का वीडियो देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,870 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,818। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी ओपन होने के बाद टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और हमारा ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ था। लो 11,802 का लगा और यहाँ से सपोर्ट टेस्ट करके यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ, तभी हमारा ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 11,896 यहाँ पर अचीव्ड हुआ और फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ ये जब हुआ तो ब्रेकडाउन लेवल का फिर से एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट किया और फिर एक बाउंस बैक दिखाया। तो काफी स्लगिश मार्केट था कल, एक साइडवेज पैटर्न में कहा जाएगा एक ट्रेड हो रहा था। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक हल्के से दबाव के साथ बंद हुए। यूरोपियन बाजार भी देखे तो लाल निशान में बंद हुए थे और एशियाई मार्केट जब आज ओपन हो चुके हैं तो निक्केई 184 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और हांगकांग मार्केट 98 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि चाइना मार्केट में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 93 पॉइंट की इस समय बढ़त दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 29 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में इस समय थोड़े से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। चलते बैंक निफ्टी के एनालिसिस से शुरू करेंगे वीकली चार्ट से। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। यहाँ पर हमने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया था। ये कप का एरिया है और ये इसके हैंडल का एरिया है। तो अभी इसका ये जो नेक लाइन बन रहा है, यहाँ पर ये जो नेक लाइन बन रहा है, इसके ऊपर डिसीजिव मूव आना काफी जरूरी है। तो ये हम इसका ब्रेकआउट मिला है ऐसा कह सकते हैं और फिर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से ऑर्बिट टुवर्ड साउथ की नॉर्थ की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी इस वीक देखे तो यहाँ पर ये जो बढ़त बनाई थी तो ये अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। अगर इसके ऊपर ये क्लोज होता है कम्फर्टेबली, एक बुलिश कैंडलस्टिक आज ये वीक में ये बनता है तो यहाँ पर इस नेक लाइन का ब्रेकआउट मिला है ऐसा हम कह सकते हैं। फिर आने वाले वीक में हम यहाँ पर और भी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस नेक लाइन के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न या करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वीकली चार्ट में पैटर्न बुलिश बना हुआ है लेकिन नेक लाइन का यहाँ पर अभी भी क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है बैंक निफ्टी इंडेक्स का। डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट पे यहाँ पर ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा यहाँ पर फॉर्मेशन हमें दिख रहा है और अभी कल नेक्स्ट डे यहाँ पर एक हैमर जैसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर बियरिश फॉर्मेशन है और उसके बाद तुरंत ही हैमर कैंडलस्टिक, यानी यहाँ पर यह सिग्नल दिखा रहा है कि यहाँ से फिर से एक बार जंप कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ से ये जो अपसाइड मूव आया है तो इसका अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाले तो एग्जैक्ट कल इसने 23.6 का ये जो लेवल है यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया और एक बाउंस बैक दिखाया। तो अगर ये जो हाई बना है इसके ऊपर, यानी 31,200 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ से बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड ओवरनाइट पोजिशन बना सकते हैं। और अगर अभी ये कल का लो यानी 23.6 का लेवल अगर ब्रेक करता है फिर हमें नीचे की तरफ ये 20 EMA का ये जो मूविंग एवरेज है 30,000 के पास है अभी, तो ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकते हैं। उसके बाद 38.2% का लेवल हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल यहाँ पर हो सकता है। तो निफ्टी इंडेक्स में अभी ये जो मूव आया है ये आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री में ये अपसाइड मूव आया था और ये जो मूव आया है ये लगभग 45 डिग्री में यहाँ पर ये मूव दिखा रहा है।
तो यहाँ से अगर ये करेक्शन थोड़ा सा बढ़ता है तो हमें नीचे की तरफ 29,800 तक सपोर्ट लेवल यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो, इसके अकॉर्डिंग आप आपकी बैंक निफ्टी में पोजीशन बना सकते हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ किया था, तो कल इसने फिर से एक बार इस लेवल को 11,872 को पेनेट्रेट किया। एग्जैक्ट कल इसका लो 11,872 था, तो काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल भी साबित हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल के नीचे अगर ये आज के दिन में क्लोज होता है तो पॉसिबल होगा कि ये यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करे, और अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी होगी कि ये फिर से एक बार टूवर्ड्स निफ्टी को नॉर्थ की साइड ले जा सकता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल वेट एंड वॉच का सिचुएशन है। डोजी कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है एज पर वीकली चार्ट। स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है, तो कोई भी करेक्शन आता है तो वो लाजमी होगा। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अभी कल यहाँ पर देखे तो नीचे की तरफ इसने टेल छोड़ दिया है और लगभग डोजी जैसा फिर से एक बार कैंडल बनाए, यानी इनडिसिजिव पैटर्न। नीचे फर्स्ट सपोर्ट इमीडिएट होगा 11,750 का, और उसके नीचे ये 61.8% का फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल है। तो 11,700 11,750 की रेंज में एक सपोर्ट का जोन बन रहा है। अगर टूवर्ड्स करेक्शन आता है साउथ की तरफ तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन रहा है। निफ्टी को अभी ऊपर जाने के लिए ये जो है ये अभी लास्ट स्विंग हाई बना है 12,000 के पास, इसको कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा। इसके ऊपर कोई डिसीजिव मूव आता है तो ही ये रैली आगे नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड हो सकती है। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यह निफ्टी का इंट्राडे चार्ट 60 मिनट का, देख सकते हैं आप ये तीन दिनों से इन तीनों मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा है। ऊपर 20 EMA का ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे 100 EMA का ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो अभी काफ़ी डिफिकल्ट होगा इस सिचुएशन में ट्रेड करना। लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन से भी हम बता रहे हैं जब भी मूविंग एवरेज के बीच में ये ट्रेड करता है फंस जाता है तो काफ़ी मुश्किल होती है ट्रेड करने के लिए। तो अभी इसके ऊपर इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो तुरंत R1 का यहाँ पर पिवट पॉइंट का ये रेजिस्टेंस का लेवल है। तो निफ्टी इंडेक्स अगर कल का हाई, यानी ये जो यहाँ पर टेल छोड़ के एक कैंडल बना दिया था, काफ़ी लंबा टेल छोड़ दिया, तो कल के हाई यानी 11,894 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते, और तभी हमारा एक क्विकली टारगेट होगा 11,917। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,933। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो पीवट पॉइंट को काफ़ी डिफिकल्ट होगा ये ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। अगर ये 11,855 को ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ये स्विंग लो बनाया था, तो ये स्विंग लो जहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया था, अगर ये फिर से अभी ये ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,830। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये 100 EMA जो कि S1 के पिवट पॉइंट के पास आ रहा है, यानी 11,817। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So thank you very much and happy trading.